जी बहन बोलिए। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम गुरु जी। मेरा एक प्रश्न ये है कि ये मेरे हस्बैंड का प्रश्न है कि काल भैरव शराब क्यों पीते हैं, मतलब उनका मदरा पान क्यों करते हैं। दूसरा मेरा एक प्रश्न है कि गुरु जी, जैसे मैं पूरी अहिंसक हूँ, एक तरह से देख सकते हैं कि हमारे, मैं जिस समाज से हूँ, हमारे यहाँ मतलब जीव हत्या को बिल्कुल पूरी तरह से दोषी माना जाता है। हाँ, पानी भी छान के पीते हैं, ऐसा कह सकते हैं। कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? गुरुजी मेरा नाम स्वाति है, मैं रहने वाली झांसी बबीना कैंट से हूँ, पर मैं पिछले 15 साल से इंदौर में ही हूँ जी। लेकिन गुरुजी, मैंने जिस समाज में शादी की है उसमें मुझे जानकारी नहीं थी पहले, बट उधर ऐसा है कि कुल देवी को पूजते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं गुरुजी, उसमें बलि का प्रयोग होता है, जिसके मैं पूरा खिलाफ हूँ। मेरे को 15 साल हो गए हैं, मैं अपने बहुत समय से सर्वाइव कर रही हूँ इंदौर में, लेकिन अभी तक भी सेटल नहीं हो पाई। कभी कभी लोग कहते हैं कि शायद यही परेशानी है जिसकी वजह से आप सर्वाइव कर रहे हो, क्योंकि मैं मतलब वो बलि के कारण आपको दिक्कत होती है। हाँ, मतलब मैं उस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ, मैं बोलती हूँ मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करूँगी। तो सभी लोग बोलते हैं शायद तुम इसी वजह से अभी तक सर्वाइव कर रही हो, परेशान रहती हो, तो क्या क्या करना चाहिए मुझे जिसकी वजह से मैं इन सब चीज़ों को। काल भैरव मदरा पान क्यों करते हैं, पहला प्रश्न था आपका। काल भैरव, देखो भैरव 8 प्रकार के हैं, 8 प्रकार के भैरवों का वर्णन आया है। बटुक भैरव भी है, उन्मत्त भैरव भी है, काल भैरव भी है। जो मदरा पान करने वाले भैरव हैं वो तामसी प्रवृत्ति के भैरव हैं, जो गंदी शक्तियां हैं उन शक्तियों को हटाने के लिए, जो निकृष्ट आत्माएं होती हैं उन निकृष्ट आत्माओं को हटाने के लिए काल भैरव को नशा में चूर करके और जो है उससे वो काम करवाए जाते हैं। तो तामसी प्रवृत्ति होने के कारण, तामसिक भाव होने के कारण काल भैरव को मदरा लगती है। इसका दूसरा शास्त्रोक्त कारण यह है, भैरवनाथ की कथा तो आप सबने सुनी होगी, वो पूर्व में बहुत तंत्र साधनाओं का साधक था। हमने एक जगह पढ़ा है कि जब भगवती ने उसका सिर काट दिया, देवी ने सिर काट दिया, तो केवल सिर भर रहा, तो उसकी जो साधनाएं थी तंत्र साधना, वो उससे बार बार कहती थी कि मुझे जो है मदरा पान करवा, गंदा भोजन ला, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। उन तंत्र विद्याओं को पिवाने के चक्कर में काल भैरव ने यह दृढ़ संकल्प लिया कि अब आज से हमारी पूजा में मदरा लगेगी। ये कारण है, इसलिए काल भैरव को जो है मदरा चढ़ती है। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कि बलि प्रथा का क्या करना चाहिए, हमारे दिमाग पर बड़ा तनाव बनता है। कोई देवी ऐसी है जो बलि लेती हैं, बुरा ना मानना, सब लोग बैठे हैं, बलि प्रथा पर हम यही कहेंगे, संसार में ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने पुत्र की बलि खाती होगी? ऐसी कौन सी मां होगी जो संसार में अपने पुत्र का मांस खाती होती होगी? हमने शास्त्र दुर्गा सप्तशती में पढ़ा है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, पूत कपूत हो सकता परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती है। अब रही बलि वाली बात, कुछ कुप्रथा अभ्रंश प्रथा ये बलि वाली चली है, जिसमें देवी कभी बलि नहीं लेती हैं। देवी के रूप का नाटक करने वाली जो जोगनियां होती हैं, वो जोगनी भोगनी योगनी जिन जिन नामों से जाना जाता है, तो वो निकृष्ट शक्तियां जो है साथ वाले, जैसे महाराज जी हैं तो दक्षिणा लगत नहीं है, लेकिन आसपास वाले जो हैं सो इन्होंने मोटी मोटी गड्डी लगा। पर गुरु जी फिर वो जो मतलब जो भी हैं पूर्वज हैं या जो भी हैं, फिर वो परेशान भी करते हैं ना, वो उसके लिए क्या? उसके लिए एक उपाय है, अगर आप बलि प्रथा बंद करना चाहते हैं तो बकरे की या जो मुर्गा या आदि आदि पशुओं की बलि देते हैं, उन जीव जंतुओं की बलि ना देने की बजाय सफेद कुमड़ा नींबू अथवा नारियल की बलि दे सकते हैं, तो देवता भी प्रसन्न रहेंगे और मन भी संतुष्ट रहेगा। कुमड़ा की परंपरा आई है, हम ब्राह्मण भी दिलवाते हैं, जब हम अनुष्ठान देवी का करवाते हैं तो हवन के दिन ब्राह्मण भी बलि देता है, लेकिन किसी जीव का नहीं देता, कुम्हड़े का, कुम्हड़ा का फल होता है, कुम्हड़े के फल में लाल सिंदूर लगा करके और चाकू से उसे काट दिया जाता है, तो बलि की बलि हो जाती है और मन में दोष भी नहीं लगता है।
आप संतुष्ट हैं जी गुरुजी? धन्यवाद, स्वागत।